जनवरी जाते जाते एक अच्छी बात हो रही है। फरवरी से एक बार फिर फिल्मों के रिलीज होने का वही पुराना सिलसिला शुरू होने जा रहा है। जी हां, फिल्म इंडस्ट्री का सूखा समाप्त हो रहा है और फरवरी से राजकुमार राव की फिल्म बधाई दो के साथ फिल्मों की रिलीज का वो सफर शुरू हो रहा है जिसका सबको इंतजार है। राजकुमार राव की बधाई दो तो खैर 11 फरवरी को रिलीज होगी, लेकिन इसके बाद आगे 20 ऐसी बड़ी फिल्में हैं जिन पर सभी की निगाहें टिकी हैं और जहां हजारों करोड़ दाव लगे हुए हैं। आइए आपको इस साल की 20 ऐसी ही बड़ी फिल्मों के बारे में बताते हैं जो फरवरी के बाद बैक टू बैक रिलीज को तैयार मिलेंगी। नंबर 1, गंगूबाई काठियावाड़ी। आलिया भट्ट की ये फिल्म पिछले साल से ही रिलीज का मुंह ताक रही है और अब जाकर आखिरकार 18 फरवरी 2022 को ये सिनेमा हॉल्स का दीदार करेगी। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में आलिया ने अपने अब तक के किरदार की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। नंबर 2, बच्चन पांडे। 18 मार्च को बच्चन पांडे की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है। अक्षय की ये फुल मसाला एंटरटेनर फिल्म भी पिछले कई सालों से कोविड की वजह से लटकी पड़ी थी और अब जाकर ये भी मार्च में रिलीज को पूरी तरह तैयार है। नंबर 3, ट्रिपल आर। साउथ की मैग्नम ओपस ट्रिपल आर 18 मार्च को ही बच्चन पांडे से टकराएगी। ये बॉक्स ऑफिस पर एक मेगा क्लैश जैसा होगा और हो भी क्यों ना, लोग अपनी फिल्मों को रिलीज करने के लिए पिछले 2 साल से तरस रहे हैं, लिहाजा इस बार मार्च में बड़ी फिल्मों के बीच घमासान देखने को मिलेगा। नंबर 4, लाल सिंह चड्ढा। अप्रैल की बैसाखी में लाल सिंह चड्ढा थिएटर में रिलीज होने का दम बढ़ चुकी है। आमिर किसी भी कीमत पर अपनी डेट बदलने को तैयार नहीं है। वहीं इसी तारीख पर मच अवेटेड फिल्म KGF 2 भी आ रही है। यश भी अपनी फिल्म को पीछे हटाने के मूड में बिल्कुल नहीं है, यानी अप्रैल में भी बॉक्स ऑफिस पर मेगा क्लैश तय मानिए। छठी फिल्म के तौर पर पृथ्वीराज चौहान को मानिए। अगर हालात अच्छे होते हैं तो पृथ्वीराज चौहान 2021 में ही रिलीज हो चुकी होती, लेकिन कोविड की वजह से खिसकते खिसकते अब वो अप्रैल 2022 में रिलीज को तैयार है। साल की 7वीं बड़ी फिल्म पठान को माना जाना चाहिए। शाहरुख की इस कमबैक फिल्म को लेकर पिछले 1 साल से भी ज्यादा वक्त से जबरदस्त बज है। उम्मीद की जा रही है कि शाहरुख की पठान भी साल 2022 में ही थिएटर का मुंह देखेगी। 2022 की 8वीं बड़ी फिल्म अगर हम टाइगर 3 को कहें तो गलत नहीं होगा। सलमान की इस फिल्म पर बहुत कुछ दांव पर लगा है। सलमान की हिट फ्रेंचाइजी टाइगर की तीसरी सीरीज पर सबकी नजर है और 2022 में इसके रिलीज होने के बाद खुद सलमान भी कई बार दोहरा चुके हैं। 2022 की 9वीं बड़ी फिल्म है रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र। रणबीर, आलिया, अमिताभ और नागार्जुन स्टारर ये फिल्म पिछले 6 से 7 साल से बन रही है। अब जाकर आखिरकार ये मेगा बजट फिल्म तैयार हो चुकी है। ब्रह्मास्त्र भी 2022 में ही रिलीज होगी। अगर 10वीं बड़ी फिल्म की बात करें तो ये टाइगर श्रॉफ की गणपत है। टाइगर की इस एक्शन फिल्म का भी लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। इस साल की 11वीं बड़ी फिल्म है अक्षय कुमार की रक्षाबंधन। 2021 के रक्षाबंधन के मौके पर अनाउंस हुई ये फिल्म 2022 में रक्षाबंधन पर ही रिलीज होगी। 2022 की 12वीं बड़ी फिल्म है शमशेरा। रणबीर कपूर और संजय दत्त की डकैतों वाली ये फिल्म भी काफी लंबे समय से रिलीज के लिए शेल्व्ड है। इनके अलावा 13वीं बड़ी फिल्म है विजय देवरकोंडा की लाइगर। अनन्या पांडे और विजय स्टारर इस फिल्म में माइक टाइसन का भी अहम रोल है और इस फिल्म को 2022 की सबसे बड़ी एक्शन फ्लिक्स में से एक माना जा रहा है। अगर साल 2022 की 14वीं बड़ी फिल्म की बात करें तो ये है कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2। ये अक्षय की पुरानी हिट फिल्म का सीक्वल है, लेकिन इस पर सबकी खूब नजर है। इस साल की 15वीं बड़ी फिल्म है अजय देवगन की मैदान। ये फिल्म भी लंबे समय से रिलीज का इंतजार कर रही है और उम्मीद है कि ये भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करेगी। 2022 की 16वीं बड़ी फिल्म है रोहित शेट्टी की सर्कस। जी हां, रोहित शेट्टी एक बार फिर से रणवीर सिंह के साथ कोलैब करके एक्शन कॉमेडी फिल्म ला रहे हैं जो कि सर्कस के नाम से 2022 में ही रिलीज होगी। फिल्मों की इस फहरिस्त में 17वीं फिल्म है प्रभास की आदि पुरुष, जिसमें सैफ अली खान रावण का किरदार निभा रहे हैं। इस बड़ी फिल्म पर सभी की निगाहें टिकी है। इस साल की 18वीं बड़ी फिल्म है विक्रम वेधा का हिंदी रीमेक, जिसमें ऋतिक रोशन और सैफ अली खान एक साथ नजर आएंगे। ऋतिक इसमें खूंखार विलन वेधा का रोल अदा कर रहे हैं जिस पर सभी नजरें टिकाए बैठे हैं। साल 2022 की 19वीं बड़ी फिल्म है वरुण धवन की भेड़िया, जिसमें वरुण के साथ कृति सेनन अहम रोल में है। वरुण अपनी इस फिल्म के काफी अहम सीन शूट कर चुके हैं और अब बस फिल्म में थोड़ा ही काम बाकी है।
अगर हम बात करें इस साल की 20वीं बड़ी फिल्म की तो वो है रणवीर सिंह की जयेश भाई जोरदार। इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में रणवीर सिंह के साथ आलिया भट्ट भी नजर आएंगी। हालांकि ये लिस्ट सिर्फ 20 फिल्मों पर ही खत्म नहीं होती, और भी कई बड़ी फिल्में जैसे रनवे 24, अटैक, राम सेतु वगैरह भी साल 2022 में रिलीज होंगी। पिछले दो सालों का बैकलॉग होने की वजह से 2022 में रिलीज होने वाली फिल्मों की तादाद इतनी ज्यादा है कि हर शुक्रवार धमाकेदार ही होने वाला है। अब देखते हैं कि 11 फरवरी से शुरू होने वाला ये सफर आगे कैसा दिलचस्प रहता है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।